नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की सियासी गलियारे से सामने आई है। जी हां, कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है। जी हां, कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, बड़ी टूट होने वाली है। आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की है। इसके बाद अब जदयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा दावा किया है। नितिन नवीन ने दावा किया है कि बिहार कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है। कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बड़ा दावा किया है नितिन नवीन ने। आरजेडी और कांग्रेस में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। दोनों पार्टियों में टूट की आशंका नितिन नवीन ने जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इस बयान को लेकर हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर जदयू के प्रत्याशी विजय हुए हैं। जी हाँ, जदयू प्रत्याशी ने विजय प्राप्त किया है। इस उपचुनाव में महागठबंधन में फूट पड़ गई। आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई है। वहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता ऋषि मिश्रा ने पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का इस्तीफा भी मांग लिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है सब ने देखा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं। उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसी और को होना चाहिए। ऋषि मिश्रा पिछले दिनों ये कहते नजर आए। इसके साथ ही पार्टी के हित में कोई कार्य नहीं करने का भी ऋषि मिश्रा ने आरोप लगाया था मदन मोहन झा पर। जी हाँ, तो कांग्रेस के अंदर जो है एक अलग ही कलेश उत्पन्न हो चुका है और कांग्रेस बहुत जल्द टूटने वाली है। जी हाँ, बीजेपी के बड़े नेता हैं नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव को इससे तो बड़ा झटका लगेगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में खत्म भी हो जाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।